एक हेडिंग लिखे सर जहां भी आप पहुंचे, अल्टरनेट मेथड टू कैलकुलेट डेफर्ड टैक्स। Alternate method to calculate deferred tax. कल तक जो हमने डिस्कशन की है उसमें deferred tax की फिगर्स तक मैं कैसे पहुंच रहा था, करंट टैक्स की वर्किंग सामने रखें, एक एक बात दोबारा ध्यान से सुने, गेम सीरियसली ऑन होगी हुई है। पहले साल मैंने आपसे कहा अकाउंटिंग प्रॉफिट बताएं, आपने क्या बताया, फिर मैंने आपसे क्या पूछा, टैक्सेबल प्रॉफिट पूछा, फिर आपने मुझे बताया इसमें डिफरेंस है, फिर मैंने क्या कहा डिफरेंस को रेट से मल्टीप्लाई कर लें, फिर हमने इस पर बहस की तो 4500 फिर हमें पता चला कि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की अमाउंट बनती है। तो कल तक हमने वर्किंग किया प्रॉफिट्स को कंपेयर करके, कौन कौन से, अकाउंटिंग और टैक्सेबल। लेकिन बड़ा इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है और डेफिनेटली अभी ये बहस बिल्कुल नहीं है कि पेपर में क्या करेंगे, वो हो जाए तो क्या करेंगे, और अगर वो हो गया तो फिर क्या करेंगे। तरीके दो हैं, हम पेपर में क्या करेंगे, इंशाल्लाह जैसे सवाल सामने आएंगे हम कर लेंगे। फिलहाल हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि दो तरीके हैं, एक ये है प्रॉफिट्स को कंपेयर कर लें, एक ऑल्टरनेट ये भी होता है कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेसिस को कंपेयर करके भी सेम डिसीजन हो जाएगा। कभी वर्ड सुना आपने कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? नहीं बेटा आप बड़े हो गए, पेज नंबर 69 निकालो। बिल्कुल ठीक है, वो आपको तो बात पता है, वो तो है ही है, लेकिन वो भी क्यों है, आए आज बड़े हो ही रहे। पेज नंबर 69 के एंड में एक टेबल बना हुआ, लेकिन उससे ऊपर आ जाएगा दो डेफिनेशंस लिखी हुई है रिवर्स ऑर्डर में, तकरीबन एंड में। पेज नंबर कौन सा है? डेफिनेशन आ गई है सर, कैरिंग अमाउंट, अमाउंट एट विच, कैरिंग अमाउंट उस अमाउंट को कहते हैं जिस अमाउंट पे कोई एसेट या लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट होती है। अमाउंट एट विच एसेट और लाइबिलिटी इज प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। जैसा कि अहमद यूसुफ साहब नागरे बड़े हो गया था, अब ये लाइंस पढ़ के मुझे ये बताएं, डब्ल्यू डी वी को कैरिंग अमाउंट कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि डब्ल्यू डी वी ने फाइनली एसेट के सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना होता है। वाई डब्ल्यू डी वी इज कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट, क्योंकि डब्ल्यू डी वी ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में एसेट के सामने आना, ऐसे ही सर। लेकिन कैरिंग अमाउंट का वर्ड सिर्फ डब्ल्यू डी वी से रिलेटेड नहीं है, कैरिंग अमाउंट एक ब्रॉडर टर्म है जो एसेट्स और लाइबिलिटी सबको कवर करती है। मीन्स से कोई भी एसेट कोई भी लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जिस अमाउंट पे नजर आ रही होगी आपको, वो अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट कहलाएगी। क्या सिर्फ ये वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए? उसके लिए भी है, उसके लिए भी है, लेकिन सिर्फ उसके लिए नहीं है। क्या इस डेफिनेशन का मतलब है कि डेटर्स की कैरिंग अमाउंट भी होती है? डेटर्स की कैरिंग अमाउंट भी होती है, डेटर्स लेस अलाउंस कैरिंग अमाउंट बन गई। क्या वर्क इन प्रोसेस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कैरिंग अमाउंट भी होती है? उसकी वो कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट होती है विदाउट डिडक्टिंग एनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या हो रहा है, क्या कैश की कैरिंग अमाउंट भी होती है? क्या स्टॉक की कैरिंग अमाउंट भी होती है? क्या क्रेडिटर्स की कैरिंग अमाउंट भी होती है? क्या लोन की भी होती है और सेल्स की भी होती है? एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात हो रही है, ना इनकम्स की कैरिंग अमाउंट होती है, ना एक्सपेंसेस की बहस हो रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात हो रही है। तो सेल की कोई कैरिंग अमाउंट नहीं होती,
डेप्रिसिएशन की तो होती है, और डेप्रिसिएशन आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, डेप्रिसिएशन की कोई नहीं होती है। हाँ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की होती है, होती है वो, फिर लेस होके फाइनल कैरिंग अमाउंट बनती है। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन और चीज है, डेप्रिसिएशन और चीज। क्या बैड डेट्स की कैरिंग अमाउंट होती है, लेकिन किसकी होती है, अलाउंस की होती है, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो मैं कभी भी अगर आपके सामने वर्ड बोलूं कैरिंग अमाउंट, तो आपके जहन में आना चाहिए कि मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज की बात करने लगा हूं। लेकिन एक और चीज भी जो शायद हमने एक दिन पहले भी डिस्कस की थी, इसकी ब्रैकेट बने जरा डेफिनेशन। फिगर्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इफ इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहन में रख के एसेट्स और लाइबिलिटीज की फिगर्स फाइंड आउट हो रही है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अकाउंटिंग में जिन फिगर्स पे आना है वो कैरिंग अमाउंट्स है। लेकिन अगर यही फिगर्स एसेट्स और लाइबिलिटीज की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहन में रख के कैलकुलेट की जा रही है, तो फिर वर्ड कैरिंग अमाउंट नहीं रहेगा, फिर वर्ड टैक्स बेस होता है। अपने पास जरा पेज नंबर 65 ढूंढ रहा, पेज नंबर 65 पे आपने कैरिंग अमाउंट भी कैलकुलेट की है, कैरिंग अमाउंट का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है और टैक्स बेस का भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नजर आ गया है। लेकिन वो बात सिर्फ किस पे रिस्ट्रिक्टेड थी उस दिन, एसेट्स पे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे। कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अगर करेंगे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आएगी, लेकिन अगर कॉस्ट में से एक्युमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस हो जाए तो उस WDV को फिर कैरिंग अमाउंट नहीं कहेंगे, वो स्टैंडर्ड्स की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन के बेस पे फिगर आएगी, वो फिर टैक्स बेस कहेंगे। लेकिन क्या कैरिंग अमाउंट सिर्फ WDV को कहते हैं? कैरिंग अमाउंट किसको कहते हैं? एसेट और लाइबिलिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही हो तो जिन फिगर्स पे आ रहे होंगे वो फिगर्स कैरिंग अमाउंट कहलाते हैं। वापिस पेज नंबर 69 पे आप आ गए हैं। जी अहमद यूसुफ साहब, बात आपकी भी ठीक है लेकिन जो मैंने की है अभी बात याद रहेगी। क्या मैंने ये कहा है कि WDV को कैरिंग अमाउंट नहीं कहते हैं? मैंने क्या कहा है? यकीनन कहते हैं, लेकिन सिर्फ उसको नहीं। इसी तरह सर, अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप विजुलाइज करें विजुलाइज, लेकिन फिगर्स कैलकुलेट करते हुए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की आप अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को बेस बना लें तो देन जो फिगर्स आएंगे वो टैक्स बेस है। एक डेफिनेशन देखें टैक्स बेस की, अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू एसेट और लाइबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस, इन अदर वर्ड्स ब्रैकेट में जाए पेज 69 है, पेज 69 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इफ इट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द। तो मैं अगर कैरिंग अमाउंट आपके आपको कहूं तो आपका जहन में क्या, आपके जहन में क्या बनेगा? एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन किस बेस पे? स्टैंडर्ड्स। मैं आपसे कहूं टैक्स बेस बताएं तो आपके जहन में आएगा क्या कि मैंने अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सोचना है, लेकिन किसकी बेस की बजाय, किसकी बेस पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे अगर हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट जहन में रख के अपनी वर्किंग कर लें एसेट्स लायबिलिटीज की, तो फाइनल फिगर्स विल बी कॉल्ड एज टैक्स बेस। क्या टैक्स बेस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की होती है? क्या डेटर्स की भी टैक्स बेस होती है? क्या क्रेडिटर्स की भी टैक्स बेस होती है? क्या अक्रूड एक्सपेंसेस की भी टैक्स बेस होती है? यस सर, अक्रूड एक्सपेंसेस, पेबल एक्सपेंसेस नहीं, अक्रूड एक्सपेंसेस। व्हाट इज द मीनिंग अक्रूड एक्सपेंस? एक्सपेंस पेबल की भी कैरिंग अमाउंट होती है और टैक्स बेस भी हो सकती है। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैरिंग अमाउंट हो सकती है और टैक्स बेस भी हो सकती है? तो सबसे इजीएस्ट वे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को जहन में रखने का ये है कि आपके जहन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बने, कैरिंग अमाउंट्स नजर आएंगी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पर बने तो टैक्स बेसिस नजर आएंगी, इंशाल्लाह नजर आया करेंगी। एक बात आखिरी, हमने हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही की बेस पे बनानी है, लेकिन कभी कभी डेफर्ट टैक्स की वर्किंग करते हुए हमें विजुलाइज करना होगा कि एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे अगर बने तो उसमें कौन सी फिगर्स आ रही होंगी। बनानी कौन सी होती है? अकाउंटिंग वाली ही, कैरिंग अमाउंट्स के एंगल से, लेकिन डेफर्ट टैक्स की वर्किंग करते हुए अगर कभी टैक्स बेसिस का सोचना पड़ जाए तो आपके जहन में क्या आएगा?
हम एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सोचने लगे हैं जो किसकी बजाय किसकी बेस पे बनेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बजाय इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बेस पे। ये बात बिल्कुल सिंपल हो जाएगी पेज नंबर 65 निकालने। पेज नंबर 65 पे जो आसान सी अपनी बात दिखी एंड में, अगर कॉस्ट में से मैं एक्युमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, तो अब अगर मैं ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर लिख रहा हूँ, तो ये किस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिख रहा हूँ? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाली। तो देयरफॉर अभी टैक्स पे। तो अगर किसी एसेट लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट टैक्स वाला किया जा रहा है तो फिर वो टैक्स बेस है, और अगर अकाउंटिंग वाला किया जा रहा है तो फिर वो क्या है? आई होप कि मेरे वर्ड सब क्लियर हो गए। आए रजिस्टर की तरफ, दोबारा बुक बंद कर दें। क्या लिख रहे थे हम जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं? कल तक डेफिट टैक्स की वर्किंग हुई है बाय कंपेयरिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट विद लेकिन आज वर्किंग करने करनी हमने बाय कंपेयरिंग द कैरिंग अमाउंट विद द टैक्स बेसिस। अगर आप डेफिट टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करने के लिए, तो एक मिनट पहले मेरी बात थोड़ी सी कंप्लीट करिए। मैंने कुछ कॉलम बनाना, तो लेफ्ट साइड पे इधर लिखने के लिए जगह छोड़ के चार कॉलम बन जाएंगे। एक कॉलम में हेडिंग आ जाएगी कैरिंग अमाउंट, नेक्स्ट कॉलम में टैक्स बेस। क्या कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस हो सकता? कब नहीं होगा? डिफरेंस हो तो सकता है लेकिन कब नहीं होगा? अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट ही सेम हो तो कैरिंग अमाउंट ही टैक्स बेस होगी, और अगर डिफरेंट हो गया तो डिफरेंस हो सकता है। तो क्या इनमें डिफरेंस आ सकता है? और अगर इनमें डिफरेंस आ जाए तो इंशाल्लाह मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इन डिफरेंसेस से भी डेफिट टैक्स ढूंढा जा सकता है। तो अब मैंने तीन कॉलम बनाए, लेफ्ट साइड पे भी जगह है और डिफरेंसेस के बाद भी एक कॉलम की जगह छोड़नी है, तो तीन कॉलम बना। अगर आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपका 1 घंटा 40 मिनट और वेस्ट हो जाएगा। बेस्ट ये है कि अगर चेयर आगे पीछे करो। मैं कैसे उठूं? मैं बड़ा मुश्किल बैठा था। नहीं, मैं इसी को कह रहा हूँ, मैंने आपको नहीं कहा, सॉरी अगर आपको बुरा लगा। ये जो मेरा माई डियर फ्रेंड है ये वहां बैठा क्यों है पहले तो ये पता चला। लाइफ हो ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट जाना जाता। हारिस बेटा ना कर, हारिस साहब जो मैंने कहा है बस वही है। जी मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, हो सकता है आप लोगों का भी क्वेश्चन हो, इसलिए मैं मुझसे वैसे साहब ने कहा जिन्होंने पूछा कि एंड में बता दीजिएगा, लेकिन मैं एंड में बताने की बजाय इसी वक्त इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ कि शायद आपका भी ये इशू हो। सवाल ये है कि रिजल्ट के फियर को कैसे ओवरकम करें? चले मेरे ख्याल एंड में रख सकते, नहीं मैं भी सोचूंगा। नहीं आपके जहन में सवाल इसलिए आ गया कि आपके भी जहन में सवाल है, एंड में डिसाइड करिए। नहीं अब इंशाल्लाह जैसे मैं बातें शुरू करूंगा इंशाल्लाह इसका फियर शुरू हो जाए। बस 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 जी इंशाल्लाह करते हैं बेटा पा। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एंड में बेटा एक दफा बात करता हूं। ये शेख साहब हर बंदा आप जैसा नहीं होता यार, तैयारी करके कैसे यार, आप कौन सी तैयारी है? जो तैयारी होनी थी वो भी है, अब तो कुछ और ही किया जा सकता। जब सब आप तेज हैं यार, हम आप तैयारी करते नहीं है, डर तो लगता ना, लेकिन यार ख्वाहिशात तो अपनी जगह। ये सर जी डाटा हमने वही यूज करना है जो हमने कल डिस्कस किया था,
आप अपने पिछले वर्किंग में चले गए जहाँ करंट टैक्स आपने कैलकुलेट किया हुआ, और अब आप फुल कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये खौफ इसी तरह निकलता है कि अपनी अटेंशन डाइवर्ट रखी जाए। इसका बेस्ट तरीका यह है कि लंबी लंबी क्लासेस हो। क्लास में नहीं याद आता, जैसे ही वेले होते हैं याद आता। इसका बेहतरीन तरीका ये कि बिल्कुल फारिग ना रहा जाए। हर दिन और मैक्सिमम उतनी ले ली जाए, उसके बाद बस सोने का ही टाइम मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोने में भी ख्वाब आता है। जैसे मर्जी पेपर हुए आते हैं, आता है। ये बातें मैं और आप ही एक दूसरे की समझ सकते हैं, ये कोई थर्ड पर्सन नहीं समझ सकता। हमारा असल में आखिरी अशरा ईद के बाद शुरू होना, ये बात भी किसी को नहीं पता। ठीक है, ये भी अभी हो रहा है, लेकिन वो जो उस वक्त होना है, चाहे पेपर जैसा भी हुआ हो, तैयारी थी या नहीं थी, वो एक अलग इशू है। तो तरीका इसका बारा यही है कि सोचा ना जाए, लेकिन अगर अकेले होंगे तो याद आएगा। तो ठंडे दिल से सोच लें, ये तो सारी छुट्टियां खत्म होगी मुझे लग रहा है। चलिए सर, अब मेरे ख्याल काफी होगी बात, एंड में देखते हैं कि टाइम मिला। जी सर, ये फर्स्ट वर्किंग ऑफ करंट टैक्स है। हमारी पूरी स्टोरी में एक मशीन की इंफॉर्मेशन थी यार, किसी को पता है? एक मशीन थी, पेज नंबर 67 बुक का, एक नंबर देख के बंद कर दे दोबारा। मशीन की कॉस्ट 1,00,000 रुपया थी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, जो सॉरी जो डेप्रिशिएट हो रही। 4 साल उसकी लाइफ थी, ये 2 फीगर आ गई देन में। तो अब आपने अपने जेहन में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बनानी है, और मत इस तरह देख के लिखेगा, आपके लिए आराम से लिखेगा बाद। लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर एंड हो गया। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन कब बनती है? ईयर एंड्स में बनती है एज ऑन। तो मशीनरी 1,00,000 की थी, 4 साल लाइफ थी, 25,000 रुपया अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन थी, एक ही साल था, वही एक्यूमुलेटेड भी थी। 1 साल एंड हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जिन्हें बनाया, क्या आपको 75,000 नजर आ रहा होगा? फाइनली वो 75,000 क्या है? वो WDV कैरिंग अमाउंट है, मैंने अकाउंटिंग की क्यूमुलेटेड माइनस की। क्या 1 साल बाद 25,000 ही है? 2 साल बाद क्या कैरिंग अमाउंट नजर आ रही होगी? कैसे? 75,000 माइनस 25 या 1,00,000 माइनस 50,000, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। आगे बोलते जाए, एंड ऑफ ईयर 3 आपको कितना नजर आ रहा होगा? 25,000 कैसे? 3 साल थे, 3 साल गुजर गए हैं, 25,000 एक्यूमुलेट हो गया, सॉरी 25,000 75,000 एक्यूमुलेट हो गया, 1,00,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 25,000 एंड एंड ऑफ फोर्थ ईयर हमारा अकाउंटिंग में मशीनरी वाला एसेट फुली डेप्रिशिएट होकर 0 कैरिंग अमाउंट पे आ रहा हूँ। यहाँ तक ओके? लेट मी कंप्लीट द सेकंड कॉलम, फिर अपन आएगा। तो व्हाट इज द वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द कैरिंग अमाउंट? मैंने क्या सोचा? नहीं, मैंने अभी क्या सोचा? मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बिल्कुल ठीक आपने सोची है, और उसमें मैंने देखा है कि मेरा ये एसेट रिस्पेक्टिव डेट्स पे कितने 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 पे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रहा हूँ। इसी तरह टैक्स बेस सोचने का तरीका क्या है? अपने जेन में एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, लेकिन अब अकाउंटिंग की बजाय टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है। तो करंट टैक्स की वर्किंग हेल्प कर देगी हमें। करंट टैक्स की वर्किंग साथ देखते हैं, वहां टैक्स डेप्रिसिएशन लिखी हुई है। व्हाट वाज कॉस्ट? 1,00,000। व्हाट इज द टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर? 40,000। आफ्टर 1 ईयर 60,000 की फिगर शुड अपियर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, देयरफॉर दैट फिगर विल बी कॉल्ड एज टैक्स बेस। समझ आ गए? सेकंड ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन क्या है? ये वर्किंग टाइम सामने रखिएगा, फिगर्स पता होनी चाहिए। 30,000 अगर फर्दर लेस हो जाए तो 30,000 ही बच जाएगा। इन अदर वर्ड्स 40 + 30 = 70 माइनस 1,00,000, 1,00,000 माइनस एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ 70,000 इज इक्वल टू 30,000 टैक्स बेस। व्हाई इट इज नॉट कैरिंग अमाउंट? ये काउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं हो रहे, ये तो टैक्स ट्रीटमेंट हो रहे हैं। तो टैक्स ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हैं तो फिगर्स आर नॉट कॉल्ड एज कैरिंग अमाउंट, बट द फिगर्स आर कॉल्ड एज टैक्स बेसिस। आगे चले, फिर 20,000 डेप्रिसिएशन और चार्ज हुई। कहां लिखा है? कहां है? कौन सी वर्किंग है? किधर है? मेरे रजिस्टर में तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैंने खोली नहीं हुई। अब नजर आ गई,
व्हाट शुड बी द टैक्स बेस आफ्टर 3 इयर्स? 10,000 और 20 लेस हुआ और फाइनली 4 साल बाद टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एसेट फुली डेप्रिशिएट हो गया। क्लियर है? करें नोट। जी ऑनेस्टमेंट आवाज का इशू तो नहीं, अथर साहब का मेरे ख्याल स्पेसिफिक इशू लग रहा है सर। ये बेटा कैरिंग अमाउंट आई है कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस करके, तो सेम डेटा यूज हो रहा है जो कल वर्किंग हो रही थी। 25,000 इज द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पर एनम, एक साल के बाद लाख में से 25,000 लेस होके 75,000 रह गया, दूसरे साल फिर 25,000 और लेस होके 50 रह गया एंड सो ऑन। और टैक्स बेसिस कैसे आएंगे? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। इनमें जरा काइंडली डिफरेंस डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस एट द एंड ऑफ द ईयर 1? 15,000। पता है कैसे आया 15,000? कैसे आया बोल दे जरा। 75 माइनस 60 है, 50 माइनस 30 20,000। क्या डिफरेंस इंक्रीज हुआ? आइडिया। क्या डिफरेंस फिर 15,000 रह गया और एंड में डिफरेंस खत्म हो गया? लिखे अब ये जो मैंने टेबल एक सामने बनाया आपके, इसके ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है। हेडिंग लिखी कल तक की डिस्कशन हुई थी प्रॉफिट्स को आपस में कंपेयर करके डेफर टैक्स। अभी आपके सामने अब इन फिगर्स के बेस पर मैं डिस्कस करूंगा, इन फिगर्स के अंदर भी डेफर टैक्स छुपा हुआ है। कैसे? बोर्ड पे गौर से देखना। नहीं परसेंटेज तो बहुत दूर की बात है। और क्वेश्चंस मेरे स्टार्ट हो गए हैं और आपने प्लीज आंसर्स देने। पहला साल एंड हो गया, हम फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़े हैं। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? व्हाट इज द टैक्स बेस? देखिए बड़ा एक साल गुजर गया, क्या मैं कह सकता हूं 75,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? एक लाख का एसेट था, 25,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, क्या 75,000 ने फ्यूचर में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बनना है? आपके सामने करंट टैक्स की वर्किंग रहनी चाहिए मुसलसल। वापिस चलो, ये वर्किंग सामने आपके बोर्ड में अपने रजिस्टर में करंट टैक्स की वर्किंग सामने रखें। देखिए जो डेफर टैक्स है वो फ्यूचर से रिलेटेड है या पास से रिलेटेड है? डेफर टैक्स है फ्यूचर से रिलेटेड। तो फ्यूचर में सोच लो, एक लाख का एसेट था, 25,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, उसकी कोई बहस नहीं है। अब फ्यूचर में क्या होना है वो देख रहे हैं। तो क्या फ्यूचर में 25,000 और 25,000 करंट टैक्स की वर्किंग देखें, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल? फ्यूचर का मतलब पहला साल खत्म हो गया। फ्यूचर डजंट मींस अगला साल, फ्यूचर मींस जितने भी साल रहते हैं। तो एक साल अगर गुजर गया कितने साल रिमेनिंग है? तो हर साल की डेप्रिसिएशन अकाउंट में 25, 25, 25 है,
क्या दिस 75,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? 60,000 को गौर से देखें, क्या 40,000 रुपया टैक्स में डेप्रिसिएशन बन चुका है वर्किंग में देखें? लेकिन क्या 60,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन? 30,000 जमा 20,000 जमा 10,000 इज इक्वल टू 60,000। क्या 60,000 अभी फ्यूचर में टैक्स में डेप्रिशिएट होना है? क्या अकाउंटिंग में 75,000 ने डेप्रिशिएट होना है? दोबारा हो जाए पाएंगी, क्या 75,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? 60,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन। ये हमें किस दिन पता है? ईयर वन, फर्स्ट ईयर नहीं, ईयर वन के एंड पे, एज ऑन ईयर वन के एंड पे हमें पता। क्या हमें इन दोनों फिगर्स को देखते ये भी पता है कि फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 रुपया कम होगी? क्या इन फिगर्स को गौर से देखा जाए तो फ्यूचर की काउंटिंग डेप्रिसिएशन 75,000 है, फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन 60,000 है, क्या फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 से कम हो जाएगी? काउंटिंग की या टैक्स की? फ्यूचर की टैक्स डेप्रिसिएशन अगर 15,000 से कम हो जाएगी तो फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स क्या 15,000 से ज्यादा हो जाएंगे? 15,000 से ज्यादा हो जाएंगे। करंट टैक्स की वर्किंग देखें, ईयर वन पे हाथ रख लें, ईयर वन के फिगर्स पे हाथ रख लें, फिर अब कौन कौन से ईयर्स नजर आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो जाएगा हाथ रखना, लेकिन रखने की कोशिश करें। लेफ्ट हैंड सही रहेगा, फर्स्ट ईयर गुजर चुका है, फ्यूचर के 3 सालों का प्रॉफिट जमा करके बताएं कितना है? 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट। फ्यूचर में अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना होगा? 3 लाख। फ्यूचर मीन्स अगला साल, अगले सारे साल, कौन सा साल गुजर गया है उस पर आपने हाथ रख लिया है, तो फ्यूचर की अकाउंटिंग प्रॉफिट की फिगर होगी 3 लाख। अब नीचे फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स को इकट्ठा करने के लिए कैलकुलेटर पकड़े, ना 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 ना, ऐसे मैं जबानी करूंगा चाहे गलत हो जाए, नो नो, मैं कैलकुलेट कर लूंगा ताकि कंफर्म हो जाए। कैसे भाईजान, कैसे फिगर बोले? 95,000 प्लस 105,000 प्लस 1,15,000। क्या फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट 3,15,000 और अकाउंटिंग के 3 लाख? तो क्या फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 से ज्यादा हो जाएंगे? अब शायद हमें उसे देखने की जरूरत नहीं थी, दोबारा बोर्ड पे देखें। 75,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, 60,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स डेप्रिसिएशन विल बी लेस बाय रुपीज 15,000। अब देखिए, अगर टैक्स डेप्रिसिएशन कम है, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कम है, टैक्स वालों का एक्सपेंस कम है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ही। फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए अगर कम है तो क्या 15,000 से फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे? अगर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स 15,000 ज्यादा हो गए तो कैलकुलेटर पकड़ें, 15,000 लिखें, मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट 30% अगर करें तो क्या 15,000 से टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाने की वजह से 4,500 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा? क्या फ्यूचर में टैक्सेबल डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी? क्या फ्यूचर में 15,000 से टैक्स डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी? क्या उसकी वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे? कितने से बढ़ जाएंगे? और अगर टैक्स रेट 30% है तो क्या 4,500 से फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? क्या ये बात सीधी बोर्ड पे देख के अब हमें नजर आना शुरू हो गई है? क्या ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा मींस लायबिलिटी बन रही है? तो डिफरेंस को रेट से अगर मल्टीप्लाई कर, लास्ट कॉलम में लिखें डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रेट, कितना आंसर है? अभी 4,500 क्या है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की अमाउंट कैलकुलेट हो,
ना ना नहीं, एक मिनट, आपको किसे क्या सेकंड ईयर करें? सेकंड ईयर में तो कुछ और ना, जब सेकंड ईयर में आप रेट मल्टीप्लाई करेंगे 30%, तो साथ कुछ ना कुछ डिवाइड भी होना है ना, जाए कुछ नहीं होना साथ साथ रहे। ये 4500 आया कैसे? मैंने आपसे पूछे बगैर इसके साथ डीटीएल लिख दिए। ये डीटीएल क्या है? डीटीएल क्या है भैया? लाइब्रेरी कैसे बन गई? क्विक रिवीजन 75,000 इज रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, 60,000 इज रिफ्लेक्टिंग। अब इन फिगर्स को गौर से देखें, 15,000 का डिफरेंस इज रिफ्लेक्टिंग लेस टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर, लेस टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर। जिसकी वजह से क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाने से क्या होगा? ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स देना आपको एक बोझ महसूस होगा। तो बोझ डजंट मीन एसेट, बोझ मीन्स हैबिट। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दिस हैबिट? अच्छा मेरी ना ये बात करनी सीरियसली नहीं, और ये सवाल ना जिनमें जब कर लिया तो अब क्या कर रहे हैं? जब कर लिया है तो फिर ही तो करने लगे हैं, तो काइंडली बिल्कुल सीरियस रहना है। हो गया है वैसे ही हो रहा है, हरगिज ऐसी बात नहीं, हो गया है करना है। सबको प्लीज पता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों है? क्यों है? इन फिगर्स के अंदर ये छुपा हुआ है कि फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना। कैसे कैसे कैसे? समराइज करें, समराइज करें, समराइज करके बताएं कैसे। 15,000 क्या बताता है? इसकी कम डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन 15,000 कम, उससे क्या पता चलता है? टैक्सेबल प्रॉफिट 15,000 ज्यादा, टैक्स रेट है 30%। देयरफॉर अगर ज्यादा टैक्सेबल प्रॉफिट तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दे दिया है, देना पड़ेगा। जर्नलिस्ट फ्रेंड्स आप लोग क्लियर? कि सर सेकंड ईयर के एंड पे आ रहे, सेकंड ईयर के एंड पे आने का मतलब है कि पहला साल जहन से निकल जाए। कितने साल पूरे हो गए और अब हमें सेकंड ईयर के एंड से फ्यूचर में सोचना। 50,000 का बहुत सा देखो, इज इट रिफ्लेक्टिंग फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? 30,000 क्या बता रहा? वन सेकेंड गौर से देखें, डिफरेंस क्या बता रहा? 20,000 का डिफरेंस क्या बता रहा है? सेकंड ईयर के एंड पे अब 20,000 से फ्यूचर में टैक्स डेप्रिसिएशन कम होगी, जिससे फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा हो जाएंगे। कैलकुलेट आउट है, 20,000 × 30%, व्हाट इज 6,000? क्या फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा होते हैं? करंट टैक्स की वर्किंग, जल्दी जल्दी करंट टैक्स की वर्किंग, पहले 2 सालों पे हाथ रखने की भरपूर कोशिश करें। कौन से 2 साल नजर आ रहे हैं? व्हाट इज फ्यूचर अकाउंटिंग प्रॉफिट? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, लाख लाख। व्हाट इज फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट? कैसे कैसे? 1,05,000 × 1,15,000 इज इक्वल टू 2,20,000। क्या फ्यूचर में 20,000 से प्रॉफिट ज्यादा होंगे? रेट से मल्टीप्लाई कर, 6,000 आ गया। क्या 6,000 फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा? क्या फ्यूचर में 6,000 ज्यादा देना पड़ेगा? क्या 6,000 देना पड़ेगा? लग तो ही रहे। अच्छा अब अपनी कल वाली वर्किंग निकाल रहा, इनकम स्टेटमेंट एक्सेप्ट से कर, ये पता चल जाता है कहाँ लेके जा रहा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के एक्सट्रैक्ट निकालें, पहले साल का डेफर्ड टैक्स बताएं, दूसरे साल का डेफर्ड टैक्स बताएं। वहां 1,500 आ रहा है, चलो तो पहले साल तो ठीक है, दूसरे साल की अमाउंट क्या आ रही है? 1,500 डेफर्ड टैक्स, मैंने कितनी निकाल ली है?
6,000, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये गौर से मेरे वर्ड समझ रहा, गौर से मेरे वर्ड समझ। ये जो वर्किंग कर रहे थे हम लास्ट कल, प्रॉफिट्स को अगर कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट्स फॉर द ईयर होते हैं, फॉर द ईयर की फिगर आएगी। कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर्स है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस को अगर कंपेयर करेंगे तो एज ऑन फिगर्स कैलकुलेट होंगे। अपने डेफर टैक्स लाइबिलिटी का लेजर ढूंढना, बनाया बनाया बनाया, कहां बनाया, गुम गया गुम गया गुम गया, मिल गया मिल गया मिल गया। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट ईयर, व्हाई द एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट ईयर इज एज वेल 4500, ब्रॉट डाउन नहीं था, लेकिन सेकंड ईयर व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस 6000, व्हाट इज फॉर द ईयर 1500। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस अगर कंपेयर करें तो एज ऑन फिगर पहले कैलकुलेट होगी, और अगर प्रॉफिट्स को कंपेयर करेंगे तो फॉर द ईयर फिगर्स कैलकुलेट होंगी। अपना जहां टेबल आप बना रहे रजिस्टर में वहां ये दो पॉइंट्स पॉइंट नोट करो। इफ वी कंपेयर, बल्कि पेज पे भी बुक पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 68, एक सेकंड निकालो, वही नोट करो। देखिए ये जो चीजें मैं जहां जहां दिखा रहा हूँ उसे ढूंढना, ढूंढ के नोट करना है, अंडरलाइन करना, पेज 68 का एंड। पेज नंबर 68 के बिल्कुल एंड पे दो लाइनें ढूंढ, दो पॉइंट्स लिखे हुए। इफ वी कंपेयर प्रॉफिट्स इट विल रिजल्ट इनटू इनकम स्टेटमेंट, मींस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फिगर, मींस ब्रैकेट अंडरलाइन करें, फॉर द ईयर कैलकुलेट होगा, डेफर टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट होगा। ये समझ आ रही है सेंटेंस? लेकिन इफ वी कंपेयर क्या विद क्या, इट विल रिजल्ट इनटू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फिगर, मींस क्लोजिंग बैलेंसेस डेफर टैक्स के पहले कैलकुलेट होंगे। किसको कंपेयर करेंगे क्या आएगा, किसको कंपेयर करेंगे क्या आएगा? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम हर सवाल प्रॉफिट्स कंपेयर करके भी और कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करके भी किया करेंगे? इस वक्त ये कोई बहस नहीं हो रही, इस वक्त दो अलग अलग बातें हो रही हैं। अगर प्रॉफिट्स कंपेयर करेंगे पहले फॉर द ईयर आ जाएगा, और लेजर देखें कल जो बनाया था क्या क्लोजिंग भी आ जाता है, लेजर कंप्लीट करके क्लोजिंग भी आ जाता है। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट्स और टैक्स बेसिस को कंपेयर करेंगे पहले क्लोजिंग आ जाएगा, क्या फॉर द ईयर भी आ जाएगा, वो भी बैलेंसिंग आ जाएगा, कैसे आ जाएगा बोर्ड पर देखा। मत करें मत करें सर, देख के मत लिखें, रुका रहे जहां जब भी जब कहूंगा तब लिखेगा। डेफर टैक्स लाइबिलिटी का लेजर बनवाना है आपने मुझे, ये जो वर्किंग अभी हो रही है इसकी बेस पे। फर्स्ट ईयर का ब्रॉडडाउन बताया, गौर से देखिए फिगर्स में कैसे लिख रहा हूँ। अब मैं किन फिगर्स की बेस पे लिख रहा हूँ जो टेबल अभी बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर के एंड पे लाइबिलिटी का क्लोजिंग कितना है, ये मैंने सही लिखा? तो अगर हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन से वर्किंग की होगी तो पहले क्लोजिंग लिखेंगे, ओपनिंग ढूंढ लेंगे, और देन लेजर बैलेंस कर लेंगे। तो क्या लेजर बैलेंस करके डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है? सारी डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है सर। डबल एंट्री क्या बन रही है? लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। कल मैं पहले एंट्री लिखता था फिर क्लोजिंग आ जाता था, लेकिन अगर कैरिंग ऑन टैक्स बेसिस को कंपेयर करेंगे तो क्लोजिंग पहले मिल जाया करेगा और फॉर द ईयर बाद में आ जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर कंप्लीट करवाए, क्या ब्रॉड डाउन उठाएंगे सर? अपनी वर्किंग देखें सेकंड ईयर के एंड पे, क्या सीडी पता चल गया है, क्या फॉर द ईयर भी पता चल जाएगा? बैलेंस करें लेजर, किधर लिखो, कितना लिखो, हम इस 1500 तक कैसे पहुंचे? लेजर बैलेंस करके पहुंचे। कल कैसे लेजर बन रहा था, पहले फॉर द ईयर लिखा जा रहा था फिर सीडी आ रहा था, अब सीडी पहले आ जाया करेंगे और फॉर द ईयर भी निकाल लिया करेंगे। एक लेजर खोले अपनी इस टेबल के नीचे और अल्टरनेटिव ये लेजर इसी तरह बनाएं जिस तरह आपने मुझे बनवाया है। कैसे बनवाया है? पहले सीडी लिख के बनाना, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रही है सारी बात?
ये सीडी कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और डेफर्ट टैक्स एक्सपेंस जहाँ रेफरेंस लिखा हुआ है ये कहाँ फिगर जाएगी? ये ईयर वाइज प्रॉफिट लॉस में फिगर जाएगी, एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में, इनकम्स एक्सपेंसेस और एज ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर में। थर्ड ईयर का ब्रॉड डाउन उठा लीजिए, जाने दें यार, थर्ड ईयर का ब्रॉड डाउन 4500 ना ना, कैरी डाउन अभी क्यों निकाला? कैरी डाउन कैसे आपने निकाल लिया, उसमें तो गेम है। थर्ड ईयर के ब्रॉड डाउन तक कैंडी आ रहा है, अभी चैटिंग केबल लगा हुआ। जी नोटेड है, एनालिस्ट्स कैंडी बताते हैं, नोट कर लिए सब? वापस टेबल में आ जाइए, ऊपर जो बन रहा है कैरिंग अमाउंट टैक्स पेस कंपेयर हो रही है। थर्ड ईयर एंड ऑफ, ये समझ आ रहा है ना कैसे सोच रहा हूँ मैं? 3 साल आप गुजर गए हैं, रिपीट कर लें जल्दी से, माइंड अप कर लें। 25,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? फ्यूचर कौन सा साल अब रह गया? एक चौथा साल रह गया, तो फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 25,000, फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन 10,000, फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन वंस अगेन विल बी लेस बाय रुपीज 15,000, टैक्सेबल प्रॉफिट देयरफॉर विल इंक्रीज बाय 15,000, हिम्मत एंड देयरफॉर कैलकुलेटर 30%। क्या 4500 फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना है? हिम्मत करें, हिम्मत करें, गलत तरफ जा रहे हैं आप। क्या 4500 गलत फिगर देख रहे हैं? गलत, यही तो मैं कह रहा था। क्या 4500 फ्यूचर में कम टैक्स देना है? यस सर, यस सर। कम देना है, ज्यादा देना है? क्या फ्यूचर में 15,000 टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी? नो नो, गलत कहा मैंने। दोबारा, 25,000 क्या है? 10,000 क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी कम होगी? 15,000। टैक्सेबल प्रॉफिट देयरफॉर कितने ज्यादा होंगे? अपनी करंट टैक्स की वर्किंग चेक करें, ऐसे ही है। फोर्थ ईयर में पहले 3 साल पे हाथ रखें, फोर्थ ईयर का अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? कितना ज्यादा है? 15,000 ज्यादा है। क्या 15,000 पे 4500 ज्यादा टैक्स देना है? ज्यादा टैक्स देना है। क्या अभी भी लाइबिलिटी है? अभी भी लाइबिलिटी है, अभी भी लाइबिलिटी है। मिक्स कर रहे हैं आप, फॉर द ईयर नहीं आ रहा, पहले क्लोजिंग आ रहा है, पहले क्लोजिंग एज ऑन आ रहा है। क्या थर्ड ईयर के एंड में लाइबिलिटी जीरो हो गई है? कितने से कम हो गई, कितनी हो गई है? तो यहाँ से कम नहीं आ रहा, यहाँ पहले क्या आ रहा, कितनी रह गई है? क्या वाकई 4500 लाइबिलिटी रहती है? तो ये एज ऑन आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कितने से बढ़ रही है कम हो रही है? कोई टेंशन नहीं है, नीचे लेजर में आ जाए। ये 4500 प्लीज, कौन सी टीज कैलकुलेट हुई है? क्लोजिंग बोर्ड पे देखें, व्हाट इज द क्लोजिंग ऑफ द थर्ड ईयर? लेजर बैलेंस कैसे करूं? या ओपनिंग कितना है? ओपनिंग कितना है? 6,000। क्लोजिंग कितना है? 4500। डिफरेंस किधर आ रहा है, कितना आ रहा है? लायबिलिटी डेबिट हो रही है, डबल एंट्री कैसे पूरी करेंगे? तो बेटा प्लीज, पहले क्लोजिंग आ रहा है, फिर ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह वही फॉर द ईयर आना है, वो टेंशन नहीं है। तो कितने से लायबिलिटी कम होगी, कितनी रह गई है? लेकिन अगर आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करेंगे तो ये पता चलेगा कितने से बढ़ रही है या कितने से कम हो रही है, ये नहीं पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कितनी रह गई है। और वो कैसे पता चलेगा कितने से बढ़ रही है कम हो रही है? वो हम लेजर बना के बैलेंसिंग फिगर निकाल। क्लियर है सर? डबल एंट्री रिपीट करने 1500 की।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का फाइनल है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर कर रहे हैं तो पहले क्या पता चलेगा, डिफरेंस को रेट से मल्टीप्लाई करके पता क्या चलेगा कि क्लोजिंग कितना है, और इंशाल्लाह ओपनिंग से कंपेयर करके फॉर द ईयर भी पता चल जाएगा। आइए जरा वाइंड अप करवाएं, लास्ट ईयर का कंपैरिजन करें अपने टेबल में ऊपर जाके। व्हाट इज फ्यूचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बताना है यार, जीरो। व्हाट इज फ्यूचर टैक्स डेप्रिसिएशन, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी, तो जीरो इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी, बट डजेंट मीन्स कि फॉर द ईयर भी जीरो है। वो कब पता चलेगा, जब लेजर बना लेंगे। क्या चौथे साल के एंड में जितना एक्स्ट्रा टैक्स देना था दे दिया है, तो व्हाट इज जीरो एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, व्हाट इज जीरो, डेफर टैक्स लाइबिलिटी का क्लोजिंग जीरो है, लास्ट ईयर के लेजर बनाए। जब जीरो है तो लेजर कैसे बनाए, जीरो सिर्फ वो है बाकी जीरो नहीं है। क्या ब्रॉट डाउन होगा सर, फॉर द ईयर भी जीरो है, बैलेंस करें अपने हाथ से बैठ अपने, ये लेजर बैलेंस करने का तरीका पता चल गया हो। जब दिल करे डेबिट साइड पे लिख दें, जब दिल करे क्रेडिट साइड पे लिख दें। अगर पहले 2 सालों में डेबिट साइड पे लिखा है तो तीसरा चौथे साल में डेबिट साइड पे लिख के बात करूंगा, सॉरी क्रेडिट साइड पे लिखा था डेबिट साइड पे समझा लेते उस साइड। लास्ट ईयर में डिफरेंस लिख के, अच्छा ये क्योंकि बैलेंसिंग फिगर्स आ रही हुआ करेंगी तो मैं शायद एक बॉक्स सा बनाया करूंगा, ये जितने डिफरेंसेस आए हैं मैंने बॉक्स या सर्कल सा बनाया तो इनको बना के आप भी कर लीजिए। बैलेंसिंग फिगर्स आई हैं और बैलेंसिंग फिगर्स के साथ रेफरेंस डेफर टैक्स एसेट ही चलेगा, लेकिन एंट्री का कैसे पता चलेगा, लेजर का हेड देख के। ये किस चीज का लेजर है, तो क्या डबल एंट्री बनी हुई है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, तो क्या वही बात है जो कल हुई थी, बात वही है जो कल हुई थी, लेकिन कल किस एंगल से हुई है, प्रॉफिट्स को कंपेयर करके, आज किस एंगल से हुई है। तो देर आर टू वेज टू कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स, वन इज कंपेयर प्रॉफिट्स टू गेट द फॉर द ईयर फिगर्स, एंड अदर वेज कंपेयर कैरिंग अमाउंट्स विद टैक्स बेसिस टू गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी या एसेट। अभी आ जाएगा इंशाल्लाह उसकी बात भी करता हूँ जी। कोई कंफ्यूजन फाइनली जी, रिवाइज करने की कोई कंफ्यूजन मना पर आगे चलते। ऑनलाइन स्टूडेंट स्पेशली आप एक हेडिंग लिखेंगे समरी ऑफ, समरी ऑफ एंट्रीज, अभी तक डेफर टैक्स इस बहस में दो एंट्रीज फाइनल हो चुकी हैं। नंबर वन, इफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज इंक्रीज, मेरी सजेशन ये है कि लाइबिलिटी पे फोकस रखें, एंट्री बनाना आसान हो जाएगा। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी और एक्सपेंस ऑपोजिट साइड पर डेबिट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सेकेंड एंट्री कौन सी फाइनल हुई है, इफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी इज डिक्रीज, तो उलट एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। वैसे डेफर टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज कब होगी, जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना होगा, और ये खत्म कब हो जाएगी, जब फ्यूचर में वो ज्यादा टैक्स दे देंगे। तो मेक द थिंग्स वेरी सिंपल, लाइबिलिटी कब बढ़ेगी टैक्स की, जब ज्यादा टैक्स देना होगा। अच्छा वैसे ज्यादा क्यों देना होगा, हिम्मत के नहीं भी पता आपको, क्योंकि इस साल कम दिया होगा,
ओवरऑल फर्क नहीं है, फ्यूचर में ज्यादा क्यों देना भाई जान, इस साल कम दिया होगा और फ्यूचर में कम क्यों देना भाई जान, उनके उन सालों में ज्यादा दिया होगा। डेफर टैक्स लाइबिलिटी कब बढ़ेगी, जब फ्यूचर में टैक्स ज्यादा देना होगा, कब खत्म हो जाएगी, जब दे देंगे, जब पूरा ही दे देंगे तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी फाइनली जीरो हो जाएगी। मेरे अलावा किसी को पता चल रहा है क्या हो रहा है? चले सर जी, अब ये जो एग्जाम्पल हमने कल एक स्टार्ट की थी सिनेरियो वन, वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खत्म हो गया, एक सेकेंड सिनेरियो शुरू करें। सेकेंड सिनेरियो में जो मैंने बातें करनी है, पेज नंबर 65 पे है ना, सेकेंड सिनेरियो में हमें जरूरत पड़नी है पेज नंबर 65 पे आके पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 9 जरा रिवाइज कर। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, किस एंट्री की बात हो रही है, सेल्स कैश या डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ये एंट्री अकाउंटेंट्स कब रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूअल बेसिस। टैक्स वाले कब अलाउ करते हैं, अक्रूअल बेसिस, नो डिफरेंस। देखिए नंबर 9, क्या हम अकाउंटेंट्स एस्टिमेटेड बेसिस पे बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन टैक्स वाले कब अलाउ करते हैं, तो क्या यहाँ डिफरेंस मौजूद है? आ जाए जहन में रखे बात, ये दो बात। लेट्स अज्यूम सेकेंड सिनेरियो, फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, फर्स्ट ईयर इसलिए ताकि एक सीक्वेंस मतलब बाचर हो जाए, ब्रॉड डाउन नहीं है, मीन्स फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, लिख रहे थोड़ा सा साथ में, तो जहां मैं कहूंगा वहां रुक जाएगा। पेज नंबर कोई नहीं रजिस्टर ही है सर, पेज नंबर, बुक बंद कर दें, अच्छा हो गया आपने बता दिया, रजिस्टर का पेज नंबर ढूंढे। लेट्स नेम फर्स्ट ईयर एंड ऑफ द बिजनेस है एज ऑन 30 June 2021। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा जहन में लानी है और बस यहां तक लिख के भी रुकना है, बाद में फिर नोट करना। एज ऑन 2021 फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस एंड हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा कैंडी जहन में लानी है। लेट्स अज्यूम इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 5 लाख के डेटर्स आते हैं, पांच लाख के डेटर्स कहां आ रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ऑब्वियसली करंट एसेट्स में, वो पूरी में हेडिंग्स नहीं लिखता, क्या ये 5 लाख स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट कहलाएगा? और जाने दें यार, कैरिंग अमाउंट डब्ल्यूडीबी को कहते हैं, उसको भी कहते हैं, लेकिन कैरिंग अमाउंट की पूरी बात क्या है, एसेट्स लायबिलिटी की जो अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ रही है वो कैरिंग अमाउंट कहलाती है। अब इस 5 लाख को जरा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गौर से देखें, क्या ये अंडरस्टूड बात है कि 5 लाख तक की सेल प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं होगी? वो कौन सी एंट्री हुई है जिसकी वजह से डेटर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ गए, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट? हाँ ये जरूर हो सकता है सेल ज्यादा हो, लेकिन इतनी जरूर होगी, और कुछ कैश आ गया हो सकता है, सेल 50 लाख हो, 45 लाख रुपए कैश आ गए हो सकता है, कोई बैड डेट्स हो गए, लेकिन कम से कम 5 लाख तो सेल जरूर रिकॉर्ड हो गई होगी। अगर नहीं भी कैश आया तो 5 लाख अगर रिसीवेबल आ रहा है तो क्या इनकम हो चुकी है? और जाने दे पैसे दवाए नहीं, इनकम कैसे होगी? इनकम और चीज है, रिसीट और चीज है, रिसीवेबल और चीज है, इनकम आई से है, इनकम प्रॉफिट लॉस में आती है, रिसीव्ड कैश डेबिट होने का मतलब है,
और ये रिसीवेबल, क्या ये पैसे रहते हैं? कमाल ये है, कंफर्म है, कमाल ये है, लेकिन अभी रिसीव नहीं थी। अपने जहन में अब इसी साल के एंड पे जरा एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या बन रहा है जहन में? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन क्या जहन में रखे? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या इस साल सेल्स को टैक्स वालों ने भी अक्रूअल बेसिस पे ट्रीट करना है? क्या जो एंट्री सेल की हमने की है, क्या वही वो भी करेंगे? क्या वो भी अक्रूअल बेसिस पे मानते हैं? तो अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विजुलाइज की जाए, तो क्या उसमें भी डेटर्स के सामने 5 लाख आ रहा होगा, लेकिन उस 5 लाख को मैंने कैरिंग अमाउंट की बजाय टैक्स बेस क्यों कहा है? अगर फिगर सेम है तो उसे भी कैरिंग अमाउंट कह लें, अगर फिगर सेम है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट सेम, लेकिन क्योंकि टैक्स पॉइंट भी सोचा गया है इसलिए इसका नाम कैरिंग अमाउंट नहीं है, टैक्स बेस है। वाई द कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस? बिकॉज द ट्रीटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग द सेल इज अक्रूअल इन बोथ द अकाउंटिंग एज वेल एज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये फर्क कब होते हैं? जब अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट में डिफरेंस हो, तो क्योंकि सेल में अक्रूअल अक्रूअल फॉलो हो रहा दोनों तरफ, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा रिसीवेबल की रिकॉर्डिंग। एक चीज तसल्ली से गौर से सुननी है, अक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि इनकम तब रिकॉर्ड होनी है जब वो अर्न होगी, पैसे अगर नहीं आए तो रिसीवेबल बन जाएगा। हिम्मत जानो हिम्मत। और एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होने? जब वो इनकर हो जाएंगे, पैसे नहीं गए तो पेबल हो जाएगा। फर्ज करें अगर अकाउंटिंग में अक्रूअल बेसिस ही खत्म हो जाए और अकाउंटिंग कैश बेसिस पे शुरू हो जाए, तो आप इनकम को कब क्रेडिट करेंगे? जब कैश डेबिट होगा, रिसीवेबल की गेम ही खत्म। ये रिसीवेबल बेचारा क्यों आ जाता बीच में? इनकम हो गई, पैसे नहीं मिले, तो अगर रिकॉर्ड इनकम उस दिन होनी है जिस दिन पैसे आने हैं, तो एंट्री बोले इनकम की क्या होगी? कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। सेल रिकॉर्ड ही किस दिन करेंगे? जब कैश आएगा, रिसीवेबल खत्म। सिमिलरली एक्सपेंसेस अगर रिकॉर्ड ही उस दिन होने हैं जिस दिन पेमेंट होनी है, तो एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो इन अदर वर्ड्स, ये पेएबल्स रिसीवेबल्स का सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ कब है? अगर अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग, एक नई साइंस, अगर सारी इनकम तब रिकॉर्ड होनी है जब पैसे आने, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट होना है, इनकम क्रेडिट हो जानी है, रिसीवेबल है ही नहीं। लेकिन हम तो सुबह शाम सुनते रहते हैं रिसीवेबल रिसीवेबल, इसका क्या मतलब होता है? रिसीवेबल रिसीव हुआ नहीं, लेकिन रिकॉर्ड हो रहा है। क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? अर्न हो गया, और एक्सपेंस अगर इनकर हो गया, पे नहीं हुआ, तो पेबल आ जाएगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग ही कैश बेसिस पे शुरू हो जाए, तो पेबल्स और रिसीवेबल्स का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। मैंने ये बात इस वक्त आपके सामने इसलिए की है कि अकाउंटिंग और टैक्स दोनों में सेल्स की रिकॉर्डिंग अक्रूअल बेसिस पे है, इसलिए अकाउंटिंग में भी रिसीवेबल आ रहा है और टैक्स में भी डेटर मींस रिसीवेबल आ रहा है। क्या हमने भी इनकम बना ली है और क्या टैक्स वालों ने भी बना ली है? हम कौन है? अकाउंटेंट्स, टैक्स वाले वो हैं। क्या हमारा और टैक्स वालों का ट्रीटमेंट सेम होने की वजह से यहां तक कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस सेम है? कोई मेरी इस बात में कंफ्यूजन फाइनली रह गई हो? व्हाई द कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू टैक्स बेस? बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू द टैक्स ट्रीटमेंट, बोथ अक्रूअल बेसिस। एनी कंफ्यूजन यहां तक? नॉट इंटरेस्टेड? आपने लिखा तो नहीं, लेकिन आवाज आई है मुझे। वापस आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की डेट है 30 जून 2021। पहला साल एंड हो रहा है,
लेट्स अज्यूम अकाउंटिंग में आपने ईयर एंड पे 5 लाख के डेटर्स को जब गौर से देखा तो आपको ये महसूस हुआ कि इसमें से 5% अमाउंट डाउटफुल है। समझ आ रहा है सर? तो देयरफॉर आपने फौरन 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 क्या किया एट द एंड ऑफ फौरन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या किया 5% अलाउंस बना किससे कितना मल्टीप्लाई कर लिया 5 लाख से 5% मल्टीप्लाई कर आपने फौरन 25,000 की क्या एंट्री कर ली बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। बैड डेट्स आपको नहीं नजर आ रहे क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मैं नहीं बना रहा, लेकिन क्या ये अंडरस्टूड बात है कि डबल एंट्री हुई होगी? क्या डेबिट क्या क्रेडिट? बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट। क्या अकाउंटिंग में एस्टिमेटेड बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट है? तो आफ्टर दिस अलाउंस क्या मैं कह सकता हूँ फाइनल कैरिंग अमाउंट इज 4,75,000? व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट नाउ? 5 लाख या 475? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए जब आप टोटल्स कर रहे होंगे तो 5 लाख उन टोटल्स में आएगा या 475,000 आएगा? क्या WDV कैरिंग अमाउंट होती है या कॉस्ट कैरिंग अमाउंट होती है? WDV सिमिलरली डेटर लेस अलाउंस फाइनली कैरिंग अमाउंट ऑफ 4,75,000 मींस 4,75,000। ठीक है सर? लेकिन आप आ रहे हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने जेन में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लाया, जैसे ही अकाउंटिंग में अलाउंस बना वहां भी बन गया, वहां डैश क्यों? वो मानते नहीं, वो अलाउंस मानते नहीं, तो वहां कोई अलाउंस नहीं। लेकिन क्या अलाउंस ना बनाने की वजह से कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ गया है? क्या सेल का ट्रीटमेंट डिफरेंट है या अलाउंस की वजह से आ गया है? तो 5 लाख माइनस डैश इज इक्वल टू 5 लाख, टैक्स बेस उनकी 5 लाख ही है, हमारी कितनी हो गई है? कैरिंग अमाउंट 475। क्या डिफरेंस आ गया है? क्या डिफरेंस तभी आता है जब अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाए? लेकिन यहाँ कौन सा नहीं था, कौन सा है? सेल वाला नहीं था, अलाउंस वाला। लिख रहे हैं नींद की वादी में भाई जा रहा है, बड़ी मुश्किल वापस आया। यही चैलेंज है सर जिंदगी का, सर यहाँ सुकून होता है वहां नींद होती, सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि हाथ में वो हमने हाथ में जो हर वक्त की वो क्या से कहते हैं एक टेंशन रखी हुई है, वो गिरता है नहीं वो गिरता है, सॉरी गलत वर्ड, वो पता नहीं रात को कब गिरता है, तो वह बस इधर इधर कहीं होता है, रात किस वक्त वो गिरा है ये वो जाने, उसका काम जाने, रातों रात कहीं उसका उसकी बैटरी खत्म होती है। बिजी लोग हैं सर, अपडेट रहना चाहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है कोई खबर मिस ना हो जाए। जिन कामों को शुरू करें आप और नींद महसूस हो तो ठंडे दिल से एक मिनट रुक सोचें, अगर आपका भी तो मोस्ट प्रोबेबली चांस सही होगा कि काम सही है, और जहां नींदें उड़ जाए वहां शदीद खतरा, समथिंग इज रॉन्ग, पता ही नहीं चले रात होगी, पता ही नहीं चला सुबह होगी, होता है अक्सर पढ़ते पढ़ते। अगर कभी नींद ना आ रही तो बेस्ट क्या है, किताबें खोल, खोलने लिए सोच ले मैं पढ़ना चाहता हूँ, इतना ही काफी, जहन मिले, बोलने की जरूरत नहीं।
सर नहीं, अभी नहीं, अभी आखिरी अशरा है, अभी नहीं, अभी थोड़े दूर अच्छा है सर, मैं इन दिनों से गुजरा हूँ, अभी नहीं, अभी ख्वाब आ रहे हैं, लेकिन अभी वो पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, वो लेस देन 10 डेज जब रह जाए ना, अशरा होता है पूरा सीरियसली गेम होता है। ये ऑनलाइन सेंस ओके प्लीज, लास्ट पॉइंट रिपीट करते हैं यार, लास्ट पॉइंट कौन सा था? जी, डेटर्स के 5 लाख 5 लाख में फर्क क्यों नहीं है? सेल्स का अकाउंटिंग और ट्रीटमेंट अक्रूवल बेसिस पे था, लेकिन जैसे ही मैंने अकाउंटिंग में अलाउंस लेस किया, टैक्स में अलाउंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, फाइनल कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ गया। ठीक है बेटा, अगली बार मेरे ख्याल मैंने यही कहा था, अगर इसके अलावा कोई है वो बता दो, मेरा ख्याल आखिरी बात तो यही हुई है, अलाउंस अकाउंटिंग में तो बनाते हैं, लेकिन टैक्स वाले एस्टिमेटेड बेसिस पे, एस्टिमेटेड बेसिस पे बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। चले सर जी, जब डिफरेंस आ जाता है तो फुल कंसंट्रेट, जब डिफरेंस आ जाता है तो फिर ये सोचना पड़ता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में डिफरेंस है या नहीं, और फाइनली फिर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो आइए जब तरतीब से दोबारा चलते हैं, एक डिफरेंस सामने आ गया, लेकिन इस डिफरेंस को डिटेल में समझने के लिए एक हेडिंग बनाए, करंट टैक्स 2021 का करंट टैक्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है करंट टैक्स का? नेक्स्ट इज नेमली फिगर है 4 लाख, अब सब कुछ लिंक्ड है जो ऊपर लिखा है। क्या इस 4 लाख के अंदर सेल का इफेक्ट आ रहा होगा? बताएं प्लस करें या माइनस, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेल का इफेक्ट टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना चाहिए, सेल का तो कोई इशू नहीं, लेकिन क्या इसमें से 15-25 हजार के सॉरी बैड डेट्स लेस हुए होंगे? तो क्या टैक्स वाले इस साल अलाउ कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या करें, क्या ऐड करें? वर्ड 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 बैड डेट्स वर्ड सही होना चाहिए, अलाउंस नहीं, अलाउंस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस, बैड डेट्स एक्सपेंस। ऐड करो लेस करो? भाई यार एक्सपेंस है, लेस होता है, हो गया होगा, कैंसिल करके इफेक्ट कैंसिल हो रहा है, प्लस सॉरी ऐड बैक करके इफेक्ट कैंसिल हो रहा है। आंसर अब इस साल एक्चुअल अभी कोई नहीं है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स बन गए 4,25,000। सपोज टैक्स रेट 30% है, इज इक्वल टू प्लीज 4,25,000 मल्टीप्लाई 30%, क्या कैलकुलेटर अलाउड है? सॉरी मैं बताना भूल गया यार, 1,27,500। कौन सा टैक्स है ये, कैसे पता चला, किससे मल्टीप्लाई हो, क्या तो क्या ही आता है, टैक्सेबल प्रॉफिट से अगर रेट मल्टीप्लाई हो रहा है तो करंट टैक्स की फिगर अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गई। डन है सर। अब यहां जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सपेक्ट बनाए 2021 के, क्या जून एंड रखा था मैंने, 31 दिसंबर, 30 जून, 30 जून जी, एक्सपेक्ट से मेरी मुराद ये है, ये सॉरी मैंने पीबीटी लिख दिया, पीबीटी से क्या चीज है, सॉरी अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इधर एक्सपेक्ट बनवाएं, जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ये बना तो नहीं ऊपर, वो क्या है, ये क्या है, वो वर्किंग है, ये प्रॉफिट लॉस के अंदर अब आ गया, क्या लिखो यहां, क्या 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 4 लाख, 4 लाख के बाद हेडिंग क्या लिखो, टैक्स, टैक्स में पहली हेडिंग क्या लिखो, करंट टैक्स, करंट टैक्स के सामने कितना लिखो, डबल एंट्री बोल दे,
करंट टैक्स डेबिट, करंट टैक्स पेबल, क्रेडिट ब्रैकेट को लगा दिए, एक्सपेंस डेबिट कम हो जाएगा, एक्सपेंस बढ़ा सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखें डेफर्ड टैक्स, ठहरे जी, डेफर्ड टैक्स पहले वैसे जैसे कल किया था फिर ऐसे जैसे आज करेंगे। कैलकुलेटर में लिखें 4 लाख, अकाउंटिंग में कमाया कितना है 4 लाख, करंट टैक्स की वर्किंग जरा सामने रख लीजिएगा, 4 लाख लिखें कैलकुलेटर पे और करंट टैक्स की वर्किंग में आ जाए वापस। व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट 4 लाख, व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट 425,000, क्या ज्यादा प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहे हैं? वो पहला साल है, कम दे रहे हैं, इतने ज्यादा पे दे रहे हैं, 4 लाख माइनस 4 लाख 25,000, 25,000 का डिफरेंस फाइनली आ गया, 25,000 कैलकुलेटर पे लिखें, 25,000 कैलकुलेटर पे लिखें, मल्टीप्लाई 30% करें, 7,500, क्या इस साल ज्यादा दे रहे हैं? पहले साल ही ज्यादा दे रहे हैं, फंसी तो बिजनेस है, पहले साल ज्यादा कैसे दे सकते हैं? कैलकुलेटर पे जीरो कर दें, 4 लाख लिखें कैलकुलेटर पे, ना करें तक भाई डिस्टर्ब हो रहा है, 4 लाख लिखें कैलकुलेटर पे, 30% से मल्टीप्लाई करें, 4 लाख प्रॉफिट्स की बेस पे बनता तो 1,20,000 है, करंट टैक्स नजर कितना आ रहा है 1,27,500, क्या 7,500 ज्यादा नजर आ रहा है? नीचे एक स्टेप्स में आपको पता है बॉक्स का सम क्या होना चाहिए, सम 120,000। अब बॉक्स के अंदर जाए, करंट टैक्स से बनता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1,27,500, क्या इस 127,500 के अंदर 7,500 ज्यादा आ रहा है? और से गौर से 1,27,500, नीचे 1,20,000, क्या 7,500 ज्यादा आ रहा है? तो मेरा ख्याल पिछले सालों का दिया जा रहा है इस साल, ऐसे यार कमाल है यार, वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर देखे यार कमाल भूल गए, तो ज्यादा दे रहे ना, तो पिछला ज्यादा दे रहे हैं, क्या पिछला ज्यादा दे रहे हैं या अगले सालों का कुछ एक्स्ट्रा इसी साल दे रहे हैं? क्या पता, हमें क्या पता, हम अगर सोचें तो हमें पता चल सकता है। सबसे पहले ये क्लियर करें कि हम 7,500 इस साल कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है 1,20,000 और टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है 1,27,500। देखिए मसला असल में ये है, अगर तो पिछला इस साल दे रहे हैं, गौर से सुने, पिछला इस साल दे रहे हैं फिर तो लाइबिलिटी कम हो रही है, हिम्मत जवानो हिम्मत, और अगर इस साल अगले सालों का ज्यादा दे रहे हैं तो फिर एसेट इंक्रीज हो रहा है, फिर ये प्रीपेड है, प्रीपेड कब है? अगर अगले सालों का दे रहे हैं इस साल तो प्रीपेड है, और अगर पिछले सालों का इस साल दे रहे हैं तो फिर लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इन अदर वर्ड्स अगर पिछला दे रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रही है, और अगर अगले सालों का इस साल दे रहे हैं तो एसेट बढ़ रहा, तो हमें क्या पता क्या हो रहा? ये तो कन्फर्म है कि अगर बिजनेस का फर्स्ट ईयर है तो पिछला नहीं दे रहे, हो सकता दे रहे हैं, बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, लेकिन क्या अगले सालों का दे रहे हैं? ये हमें कैसे पता चल सकता है? फुल कंसेंट्रेट और दोबारा आ जाए करंट टैक्स की वर्किंग सामने। देखिए असल में मसला आया बैड डेट्स की वजह से, ऐसे 25,000 रुपए का ना एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है बैड डेट्स की रिकॉर्डिंग की वजह से। क्या टैक्स वाले फुल कंसंट्रेट दोबारा, क्या हमने इस 25,000 को अकाउंटिंग में इस साल एक्सपेंस बना लिया? सर जी बना लिया सर। क्या ये 25,000 हमें टैक्स में फ्यूचर में अलाउ हो जाएगा?
क्या ये 25,000 फ्यूचर में जब कभी एक्चुअल बैड डेट होगा तो अलाउ हो जाएगा? देखिए, इस वक्त हम 2021 के एंड पे खड़े हैं, हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में कम हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में ना ही हो, लेकिन हमें इस वक्त क्या लग रहा है कि फ्यूचर में 25,000 का एक्सपेंस हो जाना है, इसलिए तो हमने रिकॉर्ड किए। तो वो तो डेफिनेटली फ्यूचर में एस्टिमेट चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त हमने रिकॉर्डिंग की है, क्या इसकी बेस पे हमें लग रहा है कि 2500 25,000 रुपये का एक्सपेंस हो जाना है? और अगर ये 25,000 एज इट इज एक्सपेंस एक्चुअली हो गया, तो फ्यूचर में क्या टैक्स वाले अलाउ कर देंगे? टैक्स वाले एक्सपेंस अलाउ कर देंगे तो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स, अगर ये बैड डेट्स फ्यूचर में टैक्स में अलाउ हो जाएं, तो फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। खर्चे अलाउ होने से क्या होगा, खर्चे बढ़ने से क्या होगा? फ्यूचर में टैक्स का खर्चा बढ़ जाएगा अगर एक्चुअल बैड डेट्स ही हो गए, खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर एक्चुअल बैड डेट्स हो गए, तो फ्यूचर में ये बैड डेट्स हमें एज एन एक्सपेंस अलाउ हो जाएंगे, जिसकी वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाने की वजह से हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। क्यों कम टैक्स देना पड़ेगा? इस साल पहले ही दे दिया है, हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया एस्टिमेटेड बेसिस पे। अगर ये एक्चुअल एक्सपेंस हो गया, तो क्या ये डिफरेंस रिजॉल्व हो जाएगा? क्या ये डिफरेंस टेम्परेरी है या परमानेंट है? क्या होता है टेम्परेरी? हमने एक्सपेंस बना लिया है, वो इंशाल्लाह कब बना लेंगे? जब एक्चुअल होगा, जब कभी एक्चुअल होगा। तो जब कभी एक्चुअल एक्सपेंस होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट्स, एक्सपेंस अलाउ होने के बाद टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से हमें टैक्स सेविंग हो जाएगी। फ्यूचर में अगर टैक्स सेविंग हो जाएगी, तो क्या हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अगर हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो हमारे पे एक बोझ महसूस होगा, और अगर कम टैक्स फ्यूचर में देना पड़ेगा, अच्छा वैसे देना क्यों कम पड़ेगा? क्या फिलहाल ये अमाउंट डेफर टैक्स एसेट बनती है या लाइबिलिटी बनती है? क्यों एसेट बनती है? वी आर एक्सपेक्टिंग टैक्स सेविंग इन फ्यूचर, कब? जब ये बैड डेट्स एक्चुअल बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या ये अमाउंट फ्यूचर से रिलेटेड टैक्स है या पास्ट से रिलेटेड टैक्स है? वाइंड अप करें, कैसे बोर्ड पे लिखें बताएं? 7500 पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव? पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव? पॉजिटिव लिख कर रहा हूं तो एंट्री क्या बनना शुरू हो गई है? एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट नहीं, एक मिनट, एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस यहाँ डेफर टैक्स का डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? अब असल में होना ये है कि हमारे इस प्रॉफिट एंड लॉस से 7500 का एक्सपेंस निकल के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन एसेट जाना है। करंट टैक्स के सामने लिखा है 127,500, हालांकि इस साल का हमारा टोटल एक्सपेंस 120 होना चाहिए, विच मीन्स हमारे इस प्रॉफिट एंड लॉस में 7500 ज्यादा एक्सपेंस लिखा हुआ है। हमारी अकाउंटिंग ये कहती है फिलहाल ये 7500 एक्सपेंसेस में नहीं, फिलहाल ये एसेट्स में होना चाहिए, ये फ्यूचर का एक्सपेंस है। लेकिन जब फ्यूचर में वो दिन ईयर आ जाएगा जिस ईयर में हमें बैड डेट्स अलाउ हो जाएंगे, तो फिर ये 7500 का एसेट रिवर्स होके खत्म हो जाएगा। एक एसेट कब तक रहता है? जब तक उसका फ्यूचर बेनिफिट मिलना हो, जब फ्यूचर बेनिफिट मिल जाएगा, तब फिर एसेट हमारा एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है। कैसे डबल एंट्री पूरी करो? डेफर टैक्स एसेट डेबिट एंड डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से? मेरी बातें को समझ आई है? वाई एसेट डेबिट, एसेट बढ़ रहा है, अच्छा एक्सपेंस क्यों क्रेडिट? ना 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 सोचता ना 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 ना, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। यहाँ 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 इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस में 7500 ज्यादा एक्सपेंस आ रहा है, तो इस क्रेडिट का मतलब ये है कि 7500 का एक्सपेंस उठा के यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से उठा के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन लेके जाना, और डेफिनेटली इसे प्रॉफिट लॉस में कब आना है? जब फ्यूचर में एक्सपेंस बन जाए, उस साल फिर एंट्री क्या होगी जाके? उस साल एंट्री क्या होगी? साल की एंट्री होगी, एक्सपेंस डेबिट होगा और फिर एसेट क्रेडिट होगा। क्लियर हो गया? कुछ नोट करें आप।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात समझ आई? जी करंट टैक्स की जब आप एंट्री करेंगे तो वो 127,500 से करेंगे और उसमें 7,500 का कैश चला जाएगा, लेकिन हमारी अकाउंटिंग के मुताबिक वो जो 7,500 एक्स्ट्रा चला गया है वो फिलहाल एक्सपेंसेस में नहीं एसेट में होना चाहिए। जी कोई नहीं, कैलकुलेटर ही मरहल, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। चले तो ये बातें कुछ समराइज होने लगी हैं। और सब पहला सेंटेंस सुना मेरा, अगर फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना हो तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है। ज्यादा वैसे देना क्यों होता है? क्योंकि इस साल कम दिया होगा, लेकिन अगर इस साल ज्यादा दिया है अगले सालों का तो फिर डेफर टैक्स एसेट बन जाएगा और फ्यूचर में फिर कम टैक्स देना हो। हम इस एसेट को कब तक एसेट रिटेन करेंगे? अकॉर्डिंग टू एग्जांपल अगर आ जाए, ये एसेट कब तक रहेगा? जब तक ये बैड डेट्स एक्चुअल में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे। जिस दिन ये एक्चुअल में कन्वर्ट हो गए, टैक्स वाले भी अलाउ कर देंगे। जब टैक्स वाले अलाउ कर देंगे, दोबारा सुने, जब टैक्स वाले अलाउ करेंगे तो टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। देखें, अगर फ्यूचर में टैक्स की इनकम बढ़नी है तो टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, अगर फ्यूचर में टैक्स वालों के एक्सपेंसेस बढ़ने हैं तो फिर टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम अगर हो गए तो टैक्स सेविंग हो जाएगी एंड टैक्स सेविंग रिजल्ट्स इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट। एक्स्ट्रा टैक्स अगर फ्यूचर में देना है तो लाइबिलिटी बन जाएगी, और अगर कम टैक्स फ्यूचर में देना है तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा। ज्यादा टैक्स फ्यूचर में देना कब होगा? जब इस साल कम दिया होगा, और अगले सालों में कम क्यों देना है? क्योंकि इस साल ज्यादा दिया होगा, तो जो इस साल ज्यादा दिया होगा वो फिलहाल आपका डेफर्ड टैक्स एसेट है। अब यहां तक बात क्लियर होगी? माइंड अप कर ले जरा, थोड़ा सा बता दे। नहीं मतलब थोड़ा सा तो मैंने काफी बता दिया, जरा अगर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। आप क्या पूछना चाह रहे? नहीं, कब बनेगा? अगर आपने इस साल ज्यादा टैक्स दे दिया है अगले सालों से रिलेटेड, तो डेफिनेट टैक्स एसेट बन जाए, प्री पेड टैक्स है। अगर आप इस साल अगले 3 सालों का रेंट एडवांस में दे दें, अगर आप इस साल अगले 3 सालों का रेंट एडवांस में दे दें, तो क्या फिलहाल ये एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट है, एक साल गुजर गया, अब एक साल एक्सपेंस है, अभी भी 2 सालों का अभी भी एसेट है, फिर अगला साल गुजर गया, फिर अगला साल गुजर गया। और अगर इस साल बेनिफिट ले लिया लेकिन रेंट नहीं दिया तो फिर पेबल हो जाएगा। कब तक ये पेबल रहेगा? जब तक पे नहीं करते। लेकिन अगर इसी साल ज्यादा दे दिए, तो जितना ज्यादा दे दिए वो पैसा, तो इस साल का बनता कितना है? पहली बनता 120 पे कितना हो रहा है? कितना एक्स्ट्रा, तो वो कहां से निकालना है और कहां लेके जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस से निकालना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में लेके जाना है। ये कैसे निकालना है, क्या कर रहा हूँ? ऊपर नेगेटिव फिगर है 127,500, नीचे पॉजिटिव लिख के मैंने क्या किया? कम किया का मतलब यहाँ से शॉर्ट ऑफ किया, यहाँ से कितना उठा लिया मैंने, कैसे उठाया? तो पॉजिटिव लिख के उठा लिए। नेगेटिव फिगर में से अगर उठाना है तो पॉजिटिव लिख के मैंने यहाँ से नेट ऑफ कर दिए, एक्सपेंस क्रेडिट करके मैंने ऐसे डेबिट कर दिया। ओके प्लीज जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता कैसे है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता कैसे है? अल्लाह जाने, रब जाने 280,000 तो आ रहा है। 4 लाख माइनस फिगर, फाइनली टैक्स एक्सपेंस 120 मीन्स सम ऑफ बॉक्स सही है 280। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके।
क्या लिसनर्स कहीं कंफ्यूज? ये मिस्टर अब्दुल हादी आप क्लियर होंगे? देन सर इस बहस को जरा एक और एंगल से सुनिएगा, ऊपर वापस आ जाए जहां हमने डेटर्स के सामने डिफरेंस एक लिखा था अलाउंस लेस करके। अब मैंने अभी आपके सामने कोशिश की है कि करंट टैक्स को बेस बना के वर्किंग करूं, लेकिन आप जरा सिर्फ ये पहली तीन लाइनें डेटर अलाउंस और नीचे डिफरेंस करंट टैक्स ऊपर ऊपर सिर्फ इनको जरा गौर से देखें, क्या इन्हीं फिगर्स को देख के भी ये डिसाइड हो सकता है कि फ्यूचर में डेफर्ड टैक्स एसेट है या लायबिलिटी है? कैसे कंसंट्रेट कीजिएगा, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? नहीं, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 475,000। व्हाट इज टैक्स बेस? 25,000 का इसमें डिफरेंस है। रट्टा कोई नहीं, अभी रट्टा भी इंशाल्लाह है वो आ जाएगा, फिलहाल किसी रट्टे की भी जरूरत नहीं है। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 475,000। व्हाट इज टैक्स बेस? इनमें डिफरेंस है 25,000 का। डिफरेंस है क्यों? बैड डेट्स के अलाउंस का। क्या हमने 25,000 का एक्सपेंस बना लिया है? हम कौन है? हमने 25,000 को एक्सपेंस बना लिया है। अब अगले वर्ड्स गौर से सुनो, क्या 25,000 रुपए की इस अमाउंट को फ्यूचर में टैक्स वाले एक्चुअल बेसिस पे एक्सपेंस बना लेंगे? Yes. और अगर वो एक्सपेंस बना लेंगे तो क्या फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे? Yes. और अगर फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो हमें टैक्स सेविंग हो जाएगी, क्या 25,000 रुपए की हो जाएगी? 25,000 तो डिफरेंस है, रेट से जरा मल्टीप्लाई करें, 7,500 की टैक्स सेविंग हो जाएगी and tax saving results into deferred tax asset. Means to say, अगर हम इस difference of 25,000 को सोचें और रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या 7,500 का deferred tax asset का बैलेंस हमें इन फिगर्स से भी नजर आ जाएगा? लेकिन डेफिनेटली इनको इसको सोचने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए होगा। फिलहाल जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे साथ साथ हमने रहना है, यही सोच सोच के इंशाल्लाह आपने भी नतीजों में पहुंचना है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्या 25,000 का एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया है? Yes. क्या टैक्स वाले इंशाल्लाह फ्यूचर में अलाउ कर देंगे? Yes. कब जब एक्चुअल होगा। अब टैक्स वाले अलाउ कर देने से क्या समझ आता है आपको? एक्सपेंस अलाउ कर देंगे, एक्सपेंस अलाउ होने से क्या होगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। कितने से कम हो जाएंगे? 25,000 से ही कम होंगे, टैक्सेबल प्रॉफिट्स 25,000 से ही कम होंगे, लेकिन उसकी वजह से टैक्स सेविंग 7,500 हो जाएगी। टैक्स सेविंग रिजल्ट्स इनटू डेफर टैक्स एसेट। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेफर टैक्स एसेट? डेफर टैक्स एसेट डेबिट, डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। है ना सर, बात बन रही है सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हैं सर? जी सर, समरी ऑफ एंट्रीज इस डिस्कशन से दो एंट्रीज और निकलेंगे। ये 2021 के एंड पे अरे सब एसेट है, तो अगले सालों क्या होगा वो अगले साल आके देखेंगे। अगर वाकई एक्चुअल बैड डेट्स हो गए तो वाकई टैक्स सेविंग हो जाएगी, और ना हुए तो ऑब्वियसली फिर वही होगा जो होना चाहिए। तो अगले साल हम इंशाल्लाह बात करते हैं। इस डिस्कशन में समरी ऑफ एंट्रीज में अब मैंने कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट की बात की है, तो इसके भी दो पॉइंट्स बना लें। इफ डेफर्ड टैक्स एसेट इज इंक्रीज, इफ डेफर्ड टैक्स एसेट इज इंक्रीज बोलेंगे एंट्री एंड एक्सपेंस कट। और क्या हो सकता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट फिर डिक्रीज हो? कब नहीं, मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट तब इंक्रीज होगा जब हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलना होगा।
और जिस दिन फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा तो एसेट खत्म हो जाएगा, ये सही वर्ड्स वो ठीक है अकॉर्डिंग टू बैड डेट्स ओके, लेकिन जनरलाइज अगर करें एसेट अगर बढ़ रहा है तो डेबिट हो जाएगा और अगर कम हो रहा है तो क्रेडिट होके क्या होगा, डबल एंट्री होगी, क्या डबल एंट्री बन जाएगी। आप फोकस रखिएगा एसेट पे, अगर लाइबिलिटी की बात हो रही है तो लाइबिलिटी पे, एसेट की बात हो रही है तो एसेट पे। तो व्हाट इज द डबल एंट्री अगर एसेट कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, फोकस ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है और अगर एसेट बढ़ रहा है तो ये बेटा चार पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी या लाइबिलिटी बढ़ी है, दूसरी या लाइबिलिटी कम हो रही है, तीसरी एसेट बढ़ रहा है, चौथी यही हो सकता है, या फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना होगा, अगर ज्यादा देना होगा लाइबिलिटी बन जाएगी, कम देना होगा एसेट बन जाएगा, और जब ज्यादा टैक्स दे देंगे लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, और जब टैक्स सेविंग हो जाएगी तो एसेट खत्म हो जाएगा। तो या फ्यूचर में ज्यादा देना टैक्स होगा या कम देना होगा, ज्यादा देना होगा लाइबिलिटी बन जाएगी, कम देना होगा एसेट बन जाएगा, बुरा लगेगा लाइबिलिटी बन जाएगी, अच्छा लगेगा एसेट बन जाएगा। तो एसेट हमें बुरे ही लगते हैं, नहीं, हम नॉर्मल लोग हैं, हम नॉर्मल रह के सोचेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, और एसेट बढ़ेगा तो एसेट डेबिट हो जाएगा। आई होप कि मैं अकेला नहीं लगा हुआ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हर दो मिनट बाद घड़ी देखते हैं, पौने दो मिनट गुजरे होते हैं, नहीं मतलब अपनी कैलकुलेशन के अभी दो मिनट गुजरे होते हैं ना, कभी भी ये नहीं हुआ कि सवा दो मिनट गुजरे हो, क्योंकि हम हर 15-15 सेकंड बाद देखते हैं, शायद नसीब जागे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? चले बेटा, एक सिनेरियो वैसे और बनता था लेकिन कल से घर के लिए इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि अभी आजकल हालात नहीं है, लेकिन ये जितना थोड़ा बहुत हो रहा है ये जरूर रिवाइज हुआ ताकि कल गेम आगे बढ़ सके, कल से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाने, ऐसे ही ज़ूम ना कर लीजिएगा, मुझे आ गया डेफिटेक्स तब बाद में सही, ये रिजल्ट की डिस्कशन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़। जी अमीर हमजा बेटा, बात आपकी ठीक है लेकिन फिर भी अभी हमारी कैलकुलेशन हो सकता है सही ना हो जाए, तकरीबन पता होता है, तो बात आपकी वैसे ठीक है। बात आपकी ठीक है लेकिन अल्लाह मालिक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।